नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज साथियों हम बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तेमाल करने वाले वर्ड के विषय में, शब्द के विषय में, और वह है एलर्जी। तमाम मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब एलर्जी हो गई, ये एलर्जी हो गई, वो एलर्जी हो गई, ऐसी एलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज़ से हो गई, उस चीज़ से हो गई, तमाम, लेकिन एलर्जी वर्ड उसमें होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलर्जीज के विषय में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निपटें, कैसे आप इसका निदान करें। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एलर्जी होती क्या है। एलर्जी साथियों, आपका जो बॉडी होता है उसका एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है। कभी क्या वक्त आता है कि आपका बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो जब आपका एक्सटर्नल कोई इन्फेक्शन आता है, या वो इन्फेक्शन नहीं भी होता है, कोई भी एलर्जन होता है जो वास्तव में जिसको आपको एलर्जी नहीं कॉज करनी चाहिए, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स रखता है, उस हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को एलर्जी कहते हैं। सपोज कीजिए किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो जब आपने मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक करा तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसने जो एंटीबॉडीज बना रखे हैं उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और इसको मरीज ने आके कहा मिल्क एलर्जी है। तो ये जो बॉडी इम्यून का हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है एलर्जन के विरुद्ध में, इसी से उत्पन्न कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। इसमें साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यह जो है कभी बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है बॉडी में, कभी यह सालों में होता है, कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है, एक पार्शियल होता है। उस स्थिति में आपके शरीर में एलर्जी मॉडरेट होती है और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है। ये जो प्रोसेस होता है बीच का कि एलर्जी डेवलप होने के लिए जो एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं उनको, जो इम्यून सिस्टम जो रिलीज करता है उनको, पूरा डेवलप होने के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको सैनिटाइजेशन कहते हैं। यह एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की। एलर्जी में साथियों जिस तरह की एलर्जी वैसा सिम्टम। अगर आपके जो है वो नेसल एलर्जी है तो छींकों का सिम्टम आ गया, अगर आपके अर्टिकेरिया है तो स्किन में आपके बल्ज आ गए, अगर आपके मच्छर के काटने से आपके एलर्जी हो जाती है तो उस तरह की लाली होगी, मच्छर ने काटा और भारी घाव बन गया, भारी वो स्केल्स आ गए, भारी चकत्ता बन गया, तो इस तरह का डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होते हैं। बात कर लेते हैं साथियों इसका एक सिम्टम में एक स्थिति और होती है जिसको कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। यह आपको जानकारी होनी चाहिए, यह एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होती है जो कि एलर्जीज में होती है। जैसे क्या होता है, हम लोग आमतौर पर एलर्जीज को बहुत हल्के में लेते हैं कि एलर्जी है तो है, लेकिन एलर्जी के में अगर यह कंडीशन आपके क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हो गई तो यह लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिसमें आपके अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, आपका बीपी भी लो हो जाता है, आपको पेन बहुत बढ़ जाता है और आपको तकलीफ़ें होती हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी के आप एंटाइटल्ड होते हैं। तो इस वर्ड को अगर आपके किसी भी चीज़ की एलर्जी है तो आप इस वर्ड को अवश्य ध्यान में रखें। बात कर लेते हैं साथियों इसके कारणों की। इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई एलर्जन आता है आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको बाहरी पार्टिकल एक इंट्रूडर के रूप में, एक दुश्मन के रूप में रिकग्नाइज करता है और आपका इम्यून सिस्टम आईजीई जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वह एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं और यह एंटीबॉडी उस विशेष इन्फेक्शन को पहचानते हैं। कभी यह जल्दी पहचान लेते हैं, कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है, कभी महीनों का, कभी सालों का, लेकिन ये पहचानते हैं। जितना ज़्यादा पहचानते हैं उतना ज़्यादा आपको इसका बुरा रिस्पॉन्स आता है।
तो जब ये आप पहचान लेते हैं तो जब भी वो एलर्जन आपके बॉडी आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपके यह जो एंटीबॉडीज़ होते हैं यह उस पर हमला कर देते हैं और यह ही आपके मैनिफेस्टेशन के रूप में विभिन्न विभिन्न जिस तरह का एलर्जन उस तरह का मैनिफेस्टेशन उस रूप में आपके सामने आते हैं। इसकी साथियों इसीलिए डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आईजीई का टेस्ट कराता है। कभी आपको एलर्जीज रही होंगी तो डॉक्टर ने आईजीई टेस्ट जरूर कराया होगा, या इम्यूनोहीमोग्लोबिन्स होते हैं जो कि ब्लड में रिलीज होते हैं और यही प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है यही आपका एंटीबॉडी बना के आपको सही करने वाली चीज़ को कष्ट के रूप में आपके शरीर में दे देते हैं। ये साथियों बहुत इम्पॉर्टेंट स्थिति है। आजकल हम लोग के घर सब्जियां बनती हैं, ज़्यादातर सब्जियों में प्याज पड़ता है। हम लोग होटल जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ज़्यादातर स्थिति में कुछ लोग जो प्याज नहीं खाते वो ठीक है, लेकिन जो 80% लोग खाते हैं वो होटल में ऐसी डिश तलाशते हैं जिसमें कि प्याज पड़ा हो। तो अनियन यानी प्याज से एलर्जी की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। अगर आपको एलर्जी है प्याज से तो आप थूजा ऑक्सीडेंटैलिस 1 mg पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो अनियन से प्याज से होने वाली एलर्जी है वह ख़त्म हो गई और आप अपने को स्वस्थ बेहतर महसूस करने लगे। ये दवाएं थी आपके एलर्जी के विषय में। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे पाएं। उम्मीद करेंगे इन दवाओं से आपको एलर्जीज में फ़ायदा हो। आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।